आज हथकरघा दिवस है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में हथकरघा उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कुरुक्षेत्र जिले के खादी ग्रामोद्योग मिर्जापुर के बुनकरों ने बताया कि बीते कुछ वर्षों से उनके काम में इजाफा हुआ है और उनके द्वारा बनाए गए कपड़ों को भी खूब पसंद किया जा रहा है। बुनकर इरशाद ने बताया कि बुनाई उनका पुश्तैनी काम है, जो आजीविका के साथ उनकी पसंद भी बन गया है। खादी ग्रामोद्योग में कारीगर अपने खादी के कपड़े से अब तिरंगा भी बना रहे हैं। खादी से बनाए जा रहे ये झंडे लोगों द्वारा खूब पसंद किए जा रहे हैं। कपड़े से हमें बहुत रोजगार मिला है, बढ़ावा मिला है। अब जितना मोदी जी ने चाहा था उससे बढ़कर मिल रहा है। यह जो कपड़ा है खादी का बना हुआ है और इसके खादी के झंडे तैयार किए जा रहे हैं, जो हमारे मोदी जी ने आह्वान शुरू किया है हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का अभियान। इसलिए जो ये कपड़ा है इसकी खास बात ये है, हमारे यहीं तैयार हुआ है और इसके झंडे हम बना रहे हैं और इसकी मांग इतनी है, हम दिन रात लग के झंडों को तैयार कर रहे हैं। खादी ग्रामोद्योग मिर्जापुर कुरुक्षेत्र के सचिव सतपाल सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के संबोधन का व्यापक असर पड़ा है। उनके द्वारा हथकरघा से बने उत्पादों के प्रयोग करने की अपील से हमारे कपड़ों की मांग बढ़ी है। हाथ बुना कपड़ा सभी इसको खरीदें ताकि हम अपने भारत में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत जो उन्होंने आह्वान किया है उसको सफल बना सकें। आज खादी खादी ना रहकर एक ब्रांड बनी है जिसने बाजार को पिछाड़ दिया है और प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान रहा, उन्होंने हर बार अपनी मन की बात में कहते हैं कि हर घर घर में, जैसे आज उन्होंने कहा कि हर घर घर में तिरंगा होना चाहिए, तो उन्होंने भी ये कहा कि हाथ अपना हर घर घर में एक खादी का कपड़ा ज़रूर हो।